नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा के धर्मवीर सिंह ने जीत की लगाई हैट्रिक, 40,000 से ऊपर वोटों से हराया कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को। दादरी लोहारू ओवर ब्रिज निर्माण कार्य शुरू, बदले गए सैकड़ों बसेस के रूट्स। डीएपी और यूरिया की नहीं है कोई कमी, कहा डीडीए विनोद फोगाट ने। सीपीआई और सीपीएम ने फिलिस्तीनी जनता के प्रति दिखाई एकजुटता। अब खबरें विस्तार से। शुरुआती बढ़त के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह से पिछड़ते चले गए और धर्मवीर सिंह ने तीसरी बार 40,000 से अधिक वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को हरा दिया। मतदान केंद्रों पर कम संख्या में पहुंचते हुए इस बार मतदाताओं ने 5,155 वोट नोटा पर भी डालकर सभी को चौंका दिया। विजयी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के निवास स्थान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हारे के सहारे खाटू श्याम जी के भजनों पर नाच गाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह को सीधे मुकाबले में 40,000 से अधिक वोटों से हराया। मतगणना के प्रारंभ में राव दान सिंह ने 888 वोटों की बढ़त हासिल की, लेकिन उसके बाद प्रत्येक राउंड में पिछड़ते चले गए। धर्मवीर सिंह ने पहली बढ़त 2,033 वोटों से शुरू की और अंतिम राउंड तक यह बढ़त जारी रही। इस सीट पर चौंकाने वाली बात यह रही कि यहां 5,155 वोट नोटा पर डाले गए। मतदान केंद्र पर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनको भगवान खाटू श्याम पर पूर्ण विश्वास है, वो जो करेंगे मेरे लिए अच्छा होगा। कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के पुत्र अक्षत राव ने कहा कि हम शहर के वोट बैंक में टक्कर दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हमें लीड मिली है। मतगणना के 12वें राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के भिवानी निवास पर समर्थकों की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने गीत गाकर और नाचना शुरू कर दिया। धर्मवीर सिंह की पत्नी मंजू देवी इन महिलाओं के साथ जमकर नाची। मंजू देवी ने कहा कि धर्मवीर सिंह की जीत के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज उनके घर पर कीर्तन रखा गया है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने नाच गाकर जीत का जश्न मनाया। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को 28,891 वोटों की बढ़त मिली। उन्हें कुल 81,234 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को 52,383 वोट मिले। बहुचर्चित विधानसभा क्षेत्र तोशाम से भाजपा प्रत्याशी को 73,187 वोट मिले तो कांग्रेस प्रत्याशी को 65,124 वोट मिले। वहीं बाड़ड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को 27,102 वोटों की बढ़त मिली। भाजपा प्रत्याशी की जीत पर पुराना बस स्टैंड के सामने मुकेश गौड़ के कार्यालय में ढोल नगाड़े बजाकर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। वहीं भगत सिंह चौक पर व्यापार मंडल के सदस्यों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला प्रधान प्रिया असीजा ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा प्रत्याशी की जीत पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। कुछ जगह चौथा राउंड भी आ गया, अब तक रुझान है वो आपस में बड़े नेक टू नेक चल रहे हैं, इसलिए जब रिजल्ट आएगा तभी आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। गुड़गांव में बाड़ा में कहीं न कहीं कांग्रेस जो है प्रत्याशी तरीके से आ गई है, वहाँ का नहीं बढ़ा, हमें यहाँ चेक करने आया। 6,500 से लगभग धर्मवीर आ गई है, नहीं जो भी है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है वो नेक टू नेक। तो इस आवाज तेरस भी है जीत के लिए, लोगों में भी लेडीजों में भी बहुत अच्छा हिस्सा लिया, लेडीज इतनी खुश हैं, सब अपने भजन गा गा के नाच डांस कर करके अपना खुशी मना रही है। हाँ, श्याम बाबा के कीर्तन रखूंगी कल, हम श्याम बाबा के गा रहे जी, हम बहुत अच्छे कार्य करेंगे आज जीत के लिए। लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। चार धारा से जुड़ के कांग्रेस पार्टी आज विजय श्री की तरफ बढ़ रही है।
कितना मार्जिन रहने वाला जीत करेगा? देखिए जी, मेरे को लगता है मार्जिन अभी शहर के बूथ खुले, शहर के बूथ के अंदर जब हम कांटे की टक्कर दे रहे हैं तो ग्रामीण आंचल सारा बाकी है। जब ग्रामीण आंचल खुलेगा उसके बाद आपको सही ढंग से बता पाए। प्री शेड्यूल था, उसी के मुताबिक सुबह रेंडमाइजेशन हुई 5 बजे स्टाफ की, काउंटिंग स्टाफ की, और रेंडमाइजेशन के बाद चारों के चारों स्ट्रॉन्ग रूम ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में, पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में खोले गए हैं और चारों ही चारों सेंटर में बड़ी पीसफुल चल रही है। अभी मैं देख के भी आया हूँ सेंटर्स में, हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी एजेंट हैं सब सेटिस्फाइड हैं। भिवानी में जैसे कोई कंप्लेंट नहीं है, बड़ा पीसफुली चल रहा है और कोशिश है हमारी कि टाइमली इसको रैपअप कर दें। काउंटिंग है वही है, मुझे अंदाज़ा है कि सारा काउंटिंग हमारा 2 बजे तक हो जाना चाहिए। कितने राउंड सर अब तक हो चुके हैं? राउंड अलग अलग हैं, कहीं 4 हुए हैं, कहीं 5 हुए हैं, कहीं 3 हुए हैं। तो राउंड उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग है, कोई इशू आ जाए उसको रिजॉल्व करना है। बट जो हमारा पेस था, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उसके मुताबिक बहुत बढ़िया काउंटिंग चल रही है। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि प्रजातंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज़ की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट हैं, जो भी इलेक्शन एजेंट हैं, सारे सेटिस्फाइड हैं और बड़ा स्मूथली काम चल रहा है। सारे अधिकारी कर्मचारी जो हमारे ARO's हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं। सर जी, देखिए ये 3-tier जो कॉर्डन सिक्योरिटी है, फर्स्ट कॉर्डन जिसमें CAPF का है, सेकंड IRP का है और थर्ड डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है। बीच बीच में भी हमारे अलग अलग ड्यूटीज़ पे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे ड्यूटीज़ डिप्लॉयड है। रिजर्व पुलिस बल लगाया हुआ है, स्ट्राइकिंग रिजर्व लगाई हुई है, स्वैट टीम्स लगी हुई है। किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर रिजल्ट डिक्लेयर के बाद थाना प्रबंधकों के पास अपनी अपनी फोर्स उनको दी हुई है, रिजर्व पुलिस बल हमने रखी हुई है जी। जिस भी तरह से जो भी पार्टी जो है इसके जुलूस इत्यादि निकालने का वो करेगी। दादरी लोहारू रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के चलते दादरी व लोहारू की ओर जाने वाली रोडवेज बसों के रूट में बदलाव किया गया है। हरियाणा रोडवेज के महाप्रबंधक विक्रम कंबोज ने बताया कि लोहारू व दादरी की ओर जाने वाली बसें अब निनान बाईपास से होकर गुजरेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुगम व सुरक्षित यात्रा के लिए रोडवेज विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं। 70 के दशक में बने दादरी लोहारू ओवरब्रिज को तोड़कर नए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ओवरब्रिज निर्माण कार्य शुरू होने से आम जन प्रभावित हुआ है। वहीं लोहारू फाटक पर घंटों तक जाम लगा रहता है। ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने से हरियाणा राज्य परिवहन निगम भिवानी ने दादरी लोहारू व बहल जाने वाली बसेस के रूट को बदल दिया है। इस बारे में हरियाणा राज्य परिवहन निगम भिवानी के GM विक्रम कंबोज ने बताया कि दादरी लोहारू और ब्रिज निर्माण कार्य से बस सेवा प्रभावित हुई है। दादरी लोहारू व बहल की बसेस को रोहतक गेट से होकर वापस निनान बाईपास से होकर सुचारू रूप से चला दिया गया है। बस व्यवस्था ठीक करने के लिए 2 ड्राइवर्स की ड्यूटी रोहतक गेट पर लगाई गई है। और के काम की वजह से जो उधर बस सर्विस प्रभावित हुई है, वो हमने फिर उसका रूट डाइवर्ट किया है, जो कि बस स्टैंड से चल के रोहतक गेट, फिर वापस यू टर्न करके अपना बाईपास होते निनैन बाईपास होते फिर जाएंगी बस, और जिसमें कि कोई भी किराया नहीं चेंज हुआ और ना ही कोई किलोमीटर अप हुए। ये तो जब तक फ्लाई ओवर का काम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही रहेगा। नहीं ऐसा कोई टाइम गाइडलाइन तो नहीं आई भाई इतने टाइम में बनेगा, तो जैसे ही कार्य पूरा होगा हम बसें इधर से शुरू कर देंगे। बकायदा हमने 2 ड्राइवरों की ड्यूटी लगा रखी है रोहतक गेट पे, जो कि वहाँ बसों का संचालन सही तरीके से करवाते हैं, सवारियाँ वहाँ से बिठवा के फिर दोबारा उनको बाईपास भिजवाते हैं। खरीफ की फसल की बिजाई करने के लिए DAP व यूरिया के 1,11,000 बैग्स भिवानी स्टॉक में हैं। इस बारे में विनोद फोगाट ने बताया कि प्राइवेट डीलर्स के अलावा सभी सरकारी डिपो में किसानों की यूरिया व DAP खाद की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने किसानों से अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खाद का स्टॉक करने की अपील की। किसान यूरिया व DAP खाद का प्रयोग करते हैं। खरीफ की फसल के साथ साथ कपास की बिजाई में जैसे ही बारिश शुरू होती है, धान की रुपाई, बाजरा, ग्वार की बिजाई भी उसी समय होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के समय भिवानी ज़िले में 1,11,000 से ज़्यादा बैग यूरिया के प्राइवेट व पब्लिक डीलर सभी का स्टॉक है। DAP की कोई कमी नहीं है। जब भी कोई भी ट्रेन का रैक आता है, हैफर से या सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से पूछा जाता है, उनके पास जो स्टॉक है वही सफिशिएंट है। आने वाले समय में
बिजाई के हिसाब से किसानों व डीलर्स की आवश्यकता के अनुसार स्टॉक करवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी, यूरिया व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे और स्कीम के हिसाब से ही किसानों को जागरूक किया जाएगा। मुख्य रूप से यूरिया व डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं और जो फसलों की खरीब के अंदर बिजाई होती है वो कपास की, और कपास के साथ साथ जो ही बारिश होगी त्यों ही किसान भाई धान की रोपाई है, बाजरा है, ग्वार है, कुछ फोडर की बिजाई भी करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की अगर हम भिवानी जिले की बात करें तो 1,11,000 से ज़्यादा बैग तो यूरिया के हमारे जो पब्लिक और जो प्राइवेट जितने भी डीलर्स हैं सभी के पास स्टॉकिंग है। अगर दूसरे हम डीएपी की अगर बात करें तो डीएपी की भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जो ही कोई रैक आता है तो हम एफएड से, जितने भी अर्ध सरकारी संस्थाएं उनसे, प्राइवेट से पूछते हैं तो जो उनके पास स्टॉक है वही सफिशियंट है। आज डीएपी की भी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है। आने वाले समय में हम बिजाई के हिसाब से सभी सप्लायर से, इम्पोर्टर से, डीलर से, किसान भाइयों से संपर्क करके उनकी आवश्यकता अनुसार स्टॉक करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और हम किसान भाइयों को डीएपी, यूरिया व अन्य प्रकार के खाद बीज दवाई संबंधित उपलब्धता के बारे में पूरा प्रयास करेंगे और किसान भाइयों को किसी प्रकार की समस्या इस संबंध में नहीं होने दी जाएगी। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर नरसंहार रोकने व यूएनओ द्वारा उनके लिए अलग राज्य बनाने को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व सीपीआईएम ने फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में प्रदर्शन किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद द्वारा इस युद्ध को रोकने के प्रस्ताव पारित करने के बावजूद इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है। वहीं उन्होंने भारत सरकार से इजराइल के साथ की गई सैनिक संधि रद्द करने की मांग की। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत नरसंहार रोकने व शांति कायम करने हेतु फिलिस्तीनियों का अलग राज्य बनाने को लेकर शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा व सुरक्षा परिषद इसराइल द्वारा किए जा रहे युद्ध को रोके जाने के पक्ष में कई प्रस्ताव पास कर चुकी है, परंतु अमेरिका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों के समर्थन से इसराइल द्वारा गाजा और अब रफाल पर लगातार हमले करके फिलिस्तीनी जनता का नरसंहार किया जा रहा है। आज हम सीपीआईएम, सीपीआई और युवा कल्याण संगठन की तरफ से ये शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलिस्तीन की जनता के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है इसराइल, अमेरिका की सह पर, वो बंद किया जाए, युद्ध बंद हो, शांति कायम हो और यूएनओ के जो सिक्योरिटी जनरल के प्रस्ताव हैं उनको लागू किया जाए, इसराइल को अलग राज्य का दर्जा हो और द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत पहले से ही तय है वो लागू किया जाए। फिलिस्तीन में एक तरफा तौर पर इसराइल वहाँ शरणार्थी शिविरों पर, अस्पतालों पर और सघन आबादी के ऊपर बम्बारमेंट कर रहा है और लोगों की हत्याएं कर रहा है। अभी रफा पर 45 लोगों की हत्या कर दी जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसलिए ये इस बर्बरता पर रोक लगे और भारत सरकार इसराइल को जो सैनिक संधि के तहत जो हथियार निर्यात कर रही है उस पर रोक लगे। कॉमरेड फूल सिंह इंदौरा है, आज सीपीआई और सीपीआईएम के हम और युवा कल्याण संगठन के और अन्य संगठनों से साथी आए हुए हैं। आज हम फिलिस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने आक्रमण किया हुआ है और जो आज खास करके हम हिंदुस्तान की सरकार को कहना चाहते हैं, क्योंकि कमजोर वर्ग के साथ है ये जुड़ती नहीं, ये ताकतवर जो साथ दिखता है उसके साथ जुड़ जाती है। अब एक खबर चलते चलते भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव की मतगणना शिक्षा बोर्ड परिसर में बने मतगणना केंद्रों में शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। मतगणना पर्यवेक्षक आशुतोष सिंह, आशीष कुमार, देवानंद रियांग की देखरेख में चली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना हाल में लोहारू, तोसाम व भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए 17-17 टेबल्स लगाई गई थी। भिवानी विधानसभा क्षेत्र के लिए 16 राउंड मतगणना की गई। इस सीट के लिए 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस बार चुनाव आयोग द्वारा किए गए परिवर्तन के कारण एआरओ नारनौल द्वारा चुनाव परिणाम जारी किया गया। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भाजपा के धर्मवीर सिंह ने जीत की लगाई हैट्रिक, 40,000 से ऊपर वोटों से हराया कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को। दादरी लोहारू ओवर ब्रिज निर्माण कार्य शुरू, बदले गए सैकड़ों बसेस के रूट्स। डीएपी और यूरिया की नहीं गई है कोई कमी,
कहा डीडीए विनोद फोगाट ने। सीपीआई और सीपीएम ने फिलिस्तीनी जनता के प्रति दिखाई एकजुटता। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।